तो हाय गाइस, मैंने बुधवार को ये वीडियो बनाई थी। तो गाइस थैंक यू सो मच, वीडियो को आपने समझा एंड मुझे सपोर्ट किया। इस वीडियो के बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मोहक सुरभि का अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है तो फिर दोनों साथ में वीडियो क्यों नहीं बना रहे, मिल क्यों नहीं रहे हैं और साथ में व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं। इस वीडियो में इस बारे में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसी चैनल पर मैंने एक पहल की है वी वॉन्ट सोहक बैक सीरीज़ की, जिसमें कि मैं सोहक की कुछ पुरानी अच्छी अच्छी वीडियोस का कलेक्शन आपके लिए लेकर आऊँगी। वैसे तो आप लोग इनकी वीडियोस इंस्टाग्राम मोज एंड यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, पर यहाँ मैं इन दोनों के कुछ पुराने टिकटॉक्स एंड अदर फैन पेजेस के एडिट्स भी अपलोड करूँगी जो कि आप लोग देख सकेंगे। और जब तक मोहक सुरभि साथ नहीं आ जाते तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी, क्या पता उन दोनों तक ये बात पहुँच जाए। तो गाइज़ अब बात करते हैं कि ये दोनों साथ में वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं। मुझे तो गाइज़ बस इतना ही लगता है कि सोहक बिजी होने के कारण मिल नहीं पा रहे हैं, और इनके बीच छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की बात भी मुझे सही ही लगी। एंड एक बड़ा रीज़न मोहक कुणाल एंड नितेश का नोएडा शिफ्ट होना भी हो सकता है, क्योंकि सुरभि दिल्ली में रहती हैं एंड मोहक 3 महीने पहले ही नोएडा शिफ्ट कर गए हैं, जो कि सुरभि घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है। फिलहाल तो ये दोनों ही, खासकर मोहक, अपने न्यू आने वाले प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और मुंबई भी गए थे। तो गाइज़ आगे देखते हैं कि क्या होता है। एक बड़ी प्रॉब्लम गाइज ये भी है कि इस बारे में इन दोनों ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो देखते हैं गाइज कब तक ये दोनों चुप रहते हैं और इस बारे में बात नहीं करते हैं। गाइज कुछ कुछ चीज़ें इनके कैप्शन से, यानी कि इंस्टाग्राम पर ये जो पोस्ट और फोटोज डालते हैं उनके कैप्शन से, स्नैपचैट की स्टोरी से कुछ कुछ हिंट हमें मिलती है। जैसे कि कल और आज की मोहक सुरभि की इंस्टाग्राम स्टोरी से काफ़ी कुछ हिंट हमें मिली है। कल मोहक ने एक पिक्चर स्टोरी में शेयर की थी जिसमें कि क्लियरली एस लिखा हुआ है, नीचे प्लेम्प्लेट पर लिखा हुआ है वी मिस्ड। तो गाइज अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये देखकर साफ पता चल रहा है कि मोहक सुरभि को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आज मोहक ने ये वाली रील भी पोस्ट की थी जिसका कैप्शन था मेरे दिल दी गली भी आ गया। इसके कुछ देर बाद ही सुरभि ने भी रील पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा लव मी बैक। आई नो कि ये दोनों लाइन जिस सॉन्ग पर इन दोनों ने रील बनाई है उसके लिरिक्स हैं, पर गाइज कैप्शन यही क्यों? कैप्शन तो कुछ भी लिखा जा सकता है गाइज, इन कैप्शन की हेल्प से हम इनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, क्योंकि पर्सन अपनी फीलिंग्स को ही कैप्शन में लिखता है। तो गाइज आगे देखते हैं कि क्या होता है, ये दोनों कब तक इस बारे में बात करते हैं या नहीं करते हैं। अगर और कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।